हनुमान जी बेहद ही सरल और तुरंत खुश कर होने वाले देवताओं में से हैं। इन्हें खुश करने से अन्य देवता भी आसानी से खुश हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बस मन में पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता का होना बहुत जरूरी होता है। सिंदूर प्रेमी हनुमान जी को हमेशा ऑरेंज कलर का चोला पहनाया जाता है। आपको पता है ये चोला चमत्कारिक प्रभाव से भरा होता है। जब यह चोला कई वर्षों तक एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है तो सिंदूर की मोटी परत हनुमान जी की मूल प्रतिमा पर जयंत जमती चली जाती है और किसी दिन अचानक यह चोला अपने आप ही उतर जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने स्वतः ही इस चोले को उतारा होता है, यानी ये चोला सालों साल बाद ही उतरता है। इतना ही नहीं, कई बार तो यह सतियों तक नहीं उतरता, यानी सोचिए इसका उतरना कितना प्रभावकारी होता होगा। इसका उतरना देख पाना ही सौभाग्य भर होता है। तो आइए जानते हैं कि अगर ये चोला मिल जाए तो कितना कुछ एक इंसान पा सकता है। इस चोले को अगर घर में रख लिया जाता जाए तो घर पर कभी आशमक संकट नहीं आता है। जो संकट गंभीर होते हैं वह टल कर हल्का पुल्का हो जाता है। इतना ही नहीं, इस चोले से घर में धन हमेशा ही भरा रहता है, घर में शुभ होता है और घर वालों के विचार भी शुभ ही होता हो जाते हैं। हनुमान जी का उतरा चोला घर में रखना धन संपन्नता प्रदायक कहा जाता है। यह अपने आप में एक सिद्ध वस्तु होता है, लेकिन यह चोला जब अपने आप उतरे तभी प्रयोग में लेना चाहिए, जबरदस्ती निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के उतरे हुए चोले को चांदी की डिब्बी में भरकर रखना चाहिए। अब इस डब्बे को आप अपने घर, दुकान या लॉकर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा पर इसे निकालकर मैं हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप दिखाना जरूरी होता है। इसके बाद इसे आप फिर से वैसे ही रख सकते हैं। आपका इतना करना आपके लिए कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। इस चोले में केवल धन देने का ही चमत्कारिक गुण नहीं होता, बल्कि ये शत्रु बाधा को खत्म करने वाला भी होता है। अगर आपको आपका शत्रु हमेशा परेशान करता है या आगे बढ़ने में बाधा डाल रहा हो तो यह चोला आपकी रक्षा करता है। कोई मुकदमा जो आपको सालों से लटकाए हुए है तो इसे जीतने के लिए आप हनुमान जी के उतरे हुए चोले का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे पीले कपड़े में बांधकर शत्रु का नाम लेकर पंचमुखी हनुमान स्त्रोत का पाठ करें। इससे शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। घर या परिवार के किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी हो, मन बेचैन और परेशान रहता हो, घर में नकारात्मक शक्तियों ज़्यादा हो गई हैं तो चांदी के ताबीज में चोले का टुकड़ा भरकर इसे इस इंसान के गले में पहुंचा दें। इससे बुरी नज़र हट जाएगी। घर पर बुरी नज़र लगी है तो लाल कपड़े में चोले का थोड़ा सा टुकड़ा बांधकर घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर ऊपर बांध दें। भगवान का चोला आकस्मिक दुर्घटनाओं को दूर करता है। किसी कार्य विशेष में जीत, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो तो भगवान का चोला किसी चांदी की डिब्बी में भरकर साथ में ले जाएं। कार्य सिद्ध होगा और कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी। हनुमान जी का उतरा हुआ चोला चांदी के ताबीज में भरकर गले में हमेशा पहनने से इससे भूत प्रेत जैसी ऊपरी बाधाएं भी आपसे दूर रहेंगी। भगवान हनुमान के चोला को अपने पास रखने भर से कई बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। खास बात ये है कि ये चोला भी आसानी से सबको नहीं मिलता, यानी हनुमान जी की कृपा पात्र को ही ये मिलता है। इसलिए हनुमान जी के कृपा पात्र बनने का हमेशा प्रयास करें। बोलो बजरंगबली बाबा की जय।